मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका खास मन पसंदीदा प्रोग्राम पब्लिक डिमांड। जी हाँ, अपने इस खास प्रोग्राम में आप सभी के लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसी जानकारियाँ, कुछ ऐसी खबरें जो आपके सुपरस्टार्स की गाने, फिल्में, फिल्म के ट्रेलर या फिर कुछ नया आपके सोशल मीडिया पर रिलीज होता है, और इसी में हम आपको बताते हैं कुछ खास बातें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए जो खबर लेकर आई हूँ उसकी बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं आज हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे छोटे एक्टर और सिंगर यानी कि अरविंद अकेला उर्फ कल्लू के बारे में। अरविंद अकेला उर्फ कल्लू एक ऐसे कलाकार, एक ऐसे अभिनेता, एक ऐसे सिंगर जिनके गाने, एक्टिंग का कोई भी तोड़ नहीं है। वो हमेशा जब भी कुछ नया करते हैं दर्शकों को बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। खैर, आज हम बात करने वाले हैं अरविंद अकेला उर्फ कल्लू के खास गाने की, जो है उनकी फिल्म स्वर्ग का। जी हाँ, आपको बता ही दिया है हमने कि फिल्म स्वर्ग जो है वो बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुआ है, बॉक्स ऑफिस पर उसे काफ़ी अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है। तो वहीं यूट्यूब चैनल पर इस फिल्म के वीडियो सॉन्ग रिलीज किए जा रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं दर्शकों को, कोई तरफ से उसे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा उसे दर्शक उसे देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं। तो आपको बताते हैं आज मैं आप सभी के लिए जो गाना लेकर आई हूँ वो हमारे अरविंद अकेला उर्फ कल्लू और साथ ही साथ निशा दुबे है। निशा दुबे और अरविंद अकेला उर्फ कल्लू की लव स्टोरी किसी से छुपी नहीं है, हमेशा इन दोनों ये दोनों जोड़ियां चर्चाओं में रही है। तो जाहिर सी बात है जब ये गाना रिलीज हुआ है तो एक बार फिर से ये पुरानी जोड़ी खबरों में आ चुकी है। भले ही आज के समय में हमारे अरविंद अकेला उर्फ कल्लू बहुत तमाम हीरोइनों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अगर जो अभी की बात करें तो अरविंद अकेला उर्फ कल्लू का ये अरविंद अकेला उर्फ कल्लू जो है वो अपने इस गाने के जरिए एक बार फिर से अपनी पुरानी फिल्मी हमसफर के साथ नजर आए हैं। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आखिरकार ये जो गाना है वो मई 2017 यानी कि आज से ठीक 2 दिन पहले रिलीज हुआ था। 1.5 लाख से ऊपर लोग इसे देख चुके हैं, 1000 लोगों ने इसे लाइक किया, तो वहीं कुछ लोग हैं इस गाने को डिसलाइक भी किया है इन्होंने। टीम फिल्म्स भोजपुरी पर इसे रिलीज किया गया है। स्टार कास्ट की बात करें इसमें, तो स्टार कास्ट में अगर जो बात करें तो ये गाना जो है फिल्म स्वर्ग का है। सॉन्ग है हम प्यार करी जिकरा से, ये गाने के बोल है। सिंगर है प्रेमला जैन जो कि एक फीमेल सिंगर है, उन्हीं की आवाज़ में इस गाने को बहुत ही बखूबी तरीके से सजाया गया है। लिरिक्स हैं लालजी यादव का, म्यूजिक है श्याम देहाती का और लेवल है टीम भोजपुरी। ये अरविंद अकेला उर्फ कल्लू का आई थिंक तीसरा या चौथा गाना है इस फिल्म का जो कि यूट्यूब पर रिलीज किया है और दर्शक इसे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें इस गाने में अगर जो अभी की बात करें तो इस गाने पे टोटल 60 कमेंट आ चुके हैं। अब शुरुआत करते हैं कि सबसे पहला कमेंट किसका है। नंदलाल का मैसेज है वेरी नाइस सॉन्ग, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही प्यारा। भोजपुरी स्टार का मैसेज है सो नाइस सॉन्ग, थैंक यू टीम भोजपुरी, टीम फिल्म भोजपुरी, इन्होंने चैनल का भी शुक्रिया किया है। वहीं पर अरविंद कुमार का मैसेज है वेरी नाइस वीडियो एंड ऑडियो, आई लाइक इट। वहीं पर सुनील कुमार का मैसेज है कल्लू जी आपका निशा जी के साथ जोड़ी बहुत अच्छा लगता है, तो दूसरे के साथ क्यों बनाते हो। बिल्कुल, इन्होंने देखिए पुरानी जोड़ी को एक बार फिर से इन्होंने याद कर लिया और इन्हें दिल की बात बता ही दी कि हाँ वाकई में निशा दुबे और अरविंद अकेला उर्फ कल्लू की जोड़ी दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, इसीलिए तो वो चाहते हैं कि एक बार फिर से ये जोड़ी ऐसे ही बनी रहे। वहीं पर रामकरण का मैसेज है लव यू कल्लू भैया, मुझे आपका गाना बहुत ज़्यादा पसंद आया है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सॉन्ग है। वहीं पर सुदामा जी का मैसेज है जिन्होंने लिखा है वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, सरवन कुमार का मैसेज है जिन्होंने सिर्फ अपना नाम और नंबर लिख के छोड़ दिया है, भाई आपको गाना कैसा लगा ये तो ज़रूर बताते। वहीं पर अगला मैसेज है मोबाइल मिक्सिंग की तरफ से जिन्होंने लिखा है बहुत ही अच्छा सॉन्ग, मस्त। वहीं पर सचिन गुप्ता का मैसेज है प्लीज़ मनोज तिवारी का गाना डालो। भाई यहाँ पर मनोज तिवारी के गाने की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और सूर्या का मैसेज है झकास भैया बहुत ही अच्छा गाना। वहीं पर वेब म्यूजिक है नाइस। नीरज एक्टिंग वीडियो है मूवी कब आएगी, भाई मूवी ये बॉक्स ऑफिस पर रिलीज़ आएगी। अब देखिए भाई कल्लू जी दर्शकों की तरफ से डिमांड आ चुका है कि आप प्लीज़ इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ कीजिए। तो भाई अगर जो अरविंद अकेला उर्फ कल्लू अगर जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो भाई डेफिनेटली आप अपने दर्शकों की डिमांड को पूरी कीजिए और जल्दी से फिल्म को यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दीजिए। वहीं पर अगला मैसेज है किरण खेर करण गेश कुमार का जिन्होंने लिखा है
बिहार की बिटिया बिहार, बहुत ही बढ़िया सॉन्ग बा। मुझे ये गाना बहुत ज़्यादा पसंद आया है। धर्म सहानी का मैसेज है, सुपर सॉन्ग। वहीं पर ऋषि तिवारी का मैसेज है, वेरी नाइस वीडियो एंड सुपर हिट सॉन्ग। भवानी सॉ का मैसेज है, नाइस वीडियो। वहीं पर संतोष गोंग का मैसेज है, मस्त सॉन्ग बा। चंदन कुमार का मैसेज है, वेल वीर। वहीं पर जादव का मैसेज है, नाइस पेस। वहीं अजीत आनंद का मैसेज है, सुपर। रेखा देवी का मैसेज है, सो लवली एंड स्वीट सॉन्ग कल्लू जी, आई लव यू सो मच। वहीं पर पवन कुमार का मैसेज है, नाइस सॉन्ग। गुड्डू रंगीला का मैसेज है, वेरी नाइस सॉन्ग कल्लू भैया, मुझे बहुत ज़्यादा आपका गाना पसंद आया। राहुल राज का मैसेज है, गुड। वहीं पर अगला मैसेज पढ़ते हैं, जितेंद्र कुमार का मैसेज है, जिन्होंने लिखा है नाइस। रामकरण का मैसेज है, सुपर वीडियो। वहीं पर अगला मैसेज है, रामकरण का ही मैसेज है, बहुत ही बढ़िया सुपर सॉन्ग। प्रदीप कुमार का मैसेज है, थैंक यू कल्लू जी माय फ्रेंड प्रदीप राज, वो अपना फ्रेंड भी मानते हैं अरविंद अकेले ऑफ कल्लू का। वहीं पर अगला मैसेज है हमारे पास विनीत यादव का, नाइस वीडियो एंड पिक्चर अबाउट म्यूरल पेंटिंग एंड द ड्रेसिंग। अगर जो इसके अलावा अगला मैसेज है हमारे पास राजू यादव का, जिन्होंने लिखा है आई लव यू सॉन्ग, मतलब ये गाने को प्यार करते हैं। वहीं पर राहुल कुमार का मैसेज है, गुड सॉन्ग। एक विनीत यादव जी का मैसेज जो है वो बहुत ही क्यूटनेस के साथ, बोले दिल और शेप के साथ आया गया है। वहीं पर वीरेंद्र यादव का मैसेज है, वेरी नाइस वीडियो। आशीष कुमार का मैसेज है, मस्त। मोबाइल मिक्सिंग का मैसेज है, सुपर ब्रो, मोबाइल मिक्सिंग का ही है, फैंटास्टिक, वेरी गुड। साहेब खान का मैसेज है, गुड सॉन्ग। राजकुमार जी का मैसेज है, वेरी गुड सॉन्ग। वहीं पर हिमांशु पटेल का मैसेज है, सुपर, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। अमित कुमार का मैसेज है, सुपर सॉन्ग। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे दर्शकों की तरफ से हमारे अरविंद अकेला उफ कल्लू के इस गाने की भाई तारीफ तो कोई खूब हुई है। यानी कि दर्शकों को हमारे अरविंद अकेला उफ कल्लू का ये गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। वैसे देखा जाए तो अरविंद अकेला उफ कल्लू का ये गाना दर्शकों को पसंद भी आना चाहिए, क्योंकि इसमें अरविंद अकेला उफ कल्लू और उनकी फिल्मी हमसफर एक समय पर रही, जिनके साथ शादी की चर्चाएँ भी कई बार सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, वहाँ पर इन दोनों की प्यार भरी कहानी जब एक साथ फिर से दिखाई गई है तो भाई दर्शकों का तो दिल डोलेगा ही बिल्कुल, क्योंकि जोड़ियां भोजपुरी इंडस्ट्री में हमेशा जोड़ियां एक दूसरे के साथ फेमस रही हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ चर्चाओं में रही हैं, और इसीलिए हमारे अरविंद अकेला उफ कल्लू और निशा दुबे की जोड़ी भी दर्शकों को बहुत भाती है। इनके एक साथ के कई गाने, कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट हुए हैं, कई गाने यूट्यूब पर आज भी करोड़ों के व्यूज़ पार कर चुके हैं, और कई गाने आज भी दर्शक इन्हें एक बार कई गानों में एक साथ देखना चाहते हैं। अरविंद अकेला उफ कल्लू भी और निशा दुबे भी एक दूसरे को के साथ काम करने में बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल होते हैं। कई बार कल्लू ने कहा है कि निशा दुबे बहुत ही अच्छी एक्टर है और बहुत बखूबी तरीके से वो अपने रोल को निभाती भी हैं, तो वहीं पर हमारी निशा दुबे भी अरविंद अकेला उफ कल्लू की बड़ाई करने से कहां पीछे रहने वाली थी, और इसीलिए इन लोगों ने एक साथ कई बार काम भी किया है। अब देखते हैं कि आखिरकार ये जोड़ी आगे फिल्मों में नजर आती है या फिर नहीं। वैसे अरविंद अकेला उफ कल्लू की ये जोड़ी एक बार फिर से आपको निशा दुबे के साथ दिखेगी, वैसे घबराइए मत बिल्कुल। मैं बात कर रही हूँ फिल्म स्वर्ग की, जो कि सोशल मीडिया पर जब रिलीज होगी तो आप सभी को देखने को मिलेगा। और वाकई में आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि जितना प्यारा इस फिल्म के गाने हैं, उतने ही बखूबी तरीके से और उतने ही बहुत प्यारी अच्छी कहानी के साथ इस फिल्म को भी रिलीज़ किया गया है। इस फिल्म को भी की कहानी भी लिखी गई है, जो बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बढ़िया साबित हुई है, दर्शकों की तरफ से खूब प्यार भी मिला है। अब देखते हैं कि जब YouTube पर ये फिल्म कब रिलीज़ होती है, क्योंकि दर्शकों को हमारे जो पब्लिक है उन्हें भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार है, और देखते हैं कि अरविंद अकेला उफ कल्लू इस फिल्म को YouTube पर कब रिलीज़ करते हैं। इसी के साथ आपको बता दें, अरविंद अकेला उफ कल्लू का गाना जो है, फिल्म जो है आवारा बलमा 25 मई को एक बार फिर से सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है, तो आप लोग 25 मई के लिए हो जाइए तैयार, ताकि आप अरविंद अकेला उफ कल्लू के गाने को देख सकें। खैर दोस्तों, आज के खास प्रोग्राम पर यहीं लगाते हैं विराम। कल मैं आपके सामने फिर से लेकर हाजिर होंगी आपका खास मनपसंदीदा प्रोग्राम पब्लिक डिमांड। तब तक हमारे चैनल यानी कि नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजप्रिया को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप सभी से
अपडेट कहीं भी मिस ना हो। इसके अलावा आपको हमारे चैनल के बारे में, आपको हमारे खबर के बारे में, आपको हमारे प्रोग्राम से जुड़ी कोई भी जानकारी लेनी हो, कोई भी बात कहनी हो, तो आप हमारे प्रोग्राम में कमेंट बॉक्स के ज़रिए जाकर लिखकर बता सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों का जवाब दे सकें। खैर दोस्तों, आज के खास प्रोग्राम पर यहीं लगाते हैं विराम। आप सभी लोगों से लेते हैं इजाज़त। नमस्कार। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।